गाइस जैसे जैसे एवेंजर्स 4 के ट्रेलर के रिलीज होने का टाइम पास आ रहा है, वैसे वैसे इस मूवी की लीक प्लॉट और इमेजेस भी आउट हो रही हैं। पर देखा जाए तो ये कुछ भी लीक नहीं है, मार्वल खुद ही अनऑफिशियल तरीके से लीक करवाता है, जिससे हम फैंस मूवी के बारे में बात करते रहें और फ्री में उनकी मूवी का प्रमोशन होता रहे। हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम बैक टू द सुपर टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स 4 में अपेयर होने वाली सुपर हीरोज के न्यू आर्मर की। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और ऐसी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को स्मैश कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम फैंस ये तो जानते हैं कि एवेंजर्स 4 वाकई में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के कंपैरिजन में कहीं अलग मूवी होगी, जिसमें ज़्यादातर सुपर हीरोज क्वांटम रियल में एंटर करने के लिए या फिर स्पेस में थैनोस से बैटल करने के लिए कहीं अलग तरह के सूट में अपेयर होंगे, जिसमें सबसे पहले हैं थॉर और रॉकेट। अब थॉर इन्फिनिटी वॉर मूवी में सिंगली एक ऐसा सुपर हीरो था जिसने थैनोस को नियरली मार ही दिया था, जिसके बाद उसका इन टॉय इमेज लीक में इस न्यू आर्मर में दिखना उसके इस न्यू आर्मर को और स्पेशल बनाता है। ये तो हमें पता है कि थॉर अपने स्ट्रॉन्ग वेकर के साथ थैनोस से अकेले ही टक्कर ले सकता है, साथ ही वो एक कॉस्मिक कैरेक्टर है, तो कम से कम थॉर और रॉकेट का ये न्यू आर्मर स्पेस में एंटर करने के लिए तो नहीं हो सकता। एंटमैन एंड द वास्प में जब हैंक पिम जिस सूट में क्वांटम रियल में एंटर होते हैं उसके कंपैरिजन में थॉर और रॉकेट का ये न्यू सूट सिमिलर है, जिसके अकॉर्डिंग माना जा सकता है कि एवेंजर्स 4 में हम फैंस कहीं जगह थॉर और रॉकेट को क्वांटम रियल में एंटर होते हुए देख पाएं, या फिर थॉर और रॉकेट इस न्यू सूट की हेल्प से अपना कोई मिशन भी करें। आयरन मैन अभी तक जितनी भी एमसीयू की मूवीज में अपीयर हुआ है उन सब में वो जरूर एक न्यू आर्मर में दिखे हैं, लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ब्लीडिंग एज आर्मर के बाद उस आर्मर का अपडेट एवेंजर्स 4 में देखने के लिए सभी फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हाल ही में आई कुछ लीक इमेजेस के अकॉर्डिंग एवेंजर्स 4 में टोनी स्टार्क जिस आर्मर को यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है मार्क 85 आर्मर। इस लीक इमेज में जैसा दिखाया गया है कि आयरन मैन का ये न्यू आर्मर रेड और गोल्डन थीम पर बेस है, जो मेनली आयरन मैन के क्लासिक आर्मर को जो पहले कॉमिक्स में अपेयर होता था उसको टीज कर रहा है, लेकिन बाकी सब इस आर्मर की बॉडी टोटली ब्लीडिंग एज आर्मर के ही सिमिलर है, जिसमें टोनी ने इंटरनली इस आर्मर में क्या क्या चेंजेस किए हैं और इस आर्मर को और कितना हाईटेक बनाया है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पेपर पॉट्स इन्फिनिटी वॉर मूवी को लेकर जैसे रूमर्स आ रहे थे कि पेपर पॉट्स मूवी में कोई न्यू सूट में अपेयर होगी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर मूवी में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, पर वो एवेंजर्स 4 मूवी को लेकर ये कंफर्म हो चुका है कि पेपर आने वाली एवेंजर्स मूवी में एक न्यू आर्मर में जरूर दिखेगी। पहले हीरो विजन टॉय कंपनी के लीक टॉय इमेजेस में आयरन मैन आर्मर की साइड में रेस्क्यू आर्मर को टीज किया गया था, जिसको कॉमिक्स में कई बार पेपर पॉट्स टोनी को बचाने के लिए रेस्क्यू आर्मर का यूज कर चुकी है। और अब इन सब लीक से कहीं आगे ग्विनेथ पेल्ट्रो की एवेंजर्स 4 के सेट से न्यू इमेज आई है, जिसमें हम क्लियरली उनको रेस्क्यू आर्मर में देख सकते हैं, जिसको लेकर ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि रेस्क्यू आर्मर का यूज पेपर पॉट्स एवेंजर्स 4 मूवी में किस तरह से करती है। कैप्टन अमेरिका। पहले तो हम सभी मार्वल फैंस कैप्टन अमेरिका को उनकी क्लासिक शील्ड के साथ देखना चाहते हैं, जो फिलहाल एवेंजर्स 4 की सेट इमेजेस से कंफर्म हो चुका है कि जरूरी उनको आने वाली एवेंजर्स मूवी में एक न्यू शील्ड मिलेगी। रही बात सूट की, तो वो हमें एवेंजर्स 4 मूवी में अपने कई डिफरेंट डिफरेंट सूट में दिखेंगे। फर्स्ट तो अपने क्लासिक कैप्टन अमेरिका सूट में, जो उन्होंने एवेंजर्स 1 में पहना था, देन इन्फिनिटी वॉर के उनके सूट का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन जो इन लीक इमेजेस में टीज हो रहा है, देन थॉर और रॉकेट की तरह क्वांटम रियल सूट में जो इस लीक टॉय इमेज में टीज हो रहा है। इस इमेज में दिखाया गया ये सूट ऊपर अपेयर हो रहे थॉर और रॉकेट के सूट से ही सिमिलर है, जिसके अकॉर्डिंग ये मान सकते हैं कि थॉर और रॉकेट के साथ कैप्टन अमेरिका भी उन सुपर हीरोज में से एक हैं जो कि क्वांटम रियल में एंटर करेंगे। इसके अलावा ये पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि हल्क अपने न्यू पर्पल स्किन टाइट सूट में और हॉकी अपनी रोनिन आइडेंटिटी के साथ रोनिन सूट में एवेंजर्स 4 में अपेयर होगा। तो गाइस, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आप किस सुपर हीरो को एवेंजर्स 4 में एक न्यू आर्मर में देखने के लिए एक्साइटेड हो, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। यही नहीं, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, वहाँ पर हम भी एक्टिव हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।